फिल्मों में अपना जलवा दिखाने वाले थलपति विजय ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में कदम रख दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है। विजय ने अपनी पार्टी का नाम तमिलागा वेत्री कचगम रखा है। इसके साथ ही विजय ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और ना ही इस चुनाव में किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हमने ये फैसला सामान्य और कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए किया है। विजय ने अपने स्टेटमेंट में कहा, हम अपनी पार्टी तमिलागा वेत्री कचगम को रजिस्टर करने के लिए आज चुनाव आयोग में आवेदन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य आगामी 2026 विधानसभा चुनाव लड़ना और जीतना है, साथ ही मौलिक राजनीतिक परिवर्तन लाना है जो लोग चाहते हैं। इसके साथ ही विजय ने अपने फैंस को एक शौक भी दे दिया है। विजय ने सिनेमा की दुनिया से बाहर निकलने की भी घोषणा की है। इस बारे में विजय ने कहा कि वह तमिलनाडु में एक पूर्ण राजनेता बनने के लिए दो फिल्में गोट और एक अननेम्ड फिल्म पूरी करने के बाद सिनेमा छोड़ देंगे। साउथ में विजय की एक अलग ही पहचान है। रजनीकांत के बाद विजय ही है जिन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। विजय जैसे ही अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद से ही फैंस में उसको लेकर क्रेज बढ़ जाता है। फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। विजय लंबे समय से लोगों को फिल्मों के जरिए एंटरटेन कर रहे हैं और अब राजनीति में कदम रखकर वह उनके लिए काम करने वाले हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कुछ समय पहले ही विजय ने अपनी नई फिल्म गोट की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में उनके साथ प्रभुदेवा, प्रशांत और अजमल नजर आने वाले हैं। फिल्म का नया पोस्टर विजय ने हाल ही में रिलीज किया था।